उद्वेलित वहां पर जनता, उद्वेलित वहां पर उनका ऑडियंस लगभग 6000 लोग। उन्होंने बताया कि कैसे यूपी के विकास को गति मिली है 2017 के बाद से, और कैसे मुख्यमंत्री और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, कृषि के क्षेत्र में किए गए काम हो, या कोरोना से युद्ध हो, इन सब में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे अचीवमेंट्स हासिल की हैं, ये अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार में बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और इसी तरह से उन्होंने अपने इस व्याख्यान के साथ एक किस्म से भाजपा का शंख फूंक दिया है, भाजपा के अभियान का, उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान का। बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी का, कोरोना की दूसरी लहर को उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे से संभाला है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अब तक उत्तर प्रदेश में हुआ है, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बना है, और बहुत जल्दी कोरोना की दूसरी लहर को सफलतापूर्वक काबू में किया है और हालात को काबू में किया है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 4 गुनी हो गई है उत्तर प्रदेश में, करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम जारी है, और 14 का तो लोकार्पण अभी बनारस में वो किया है उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स का, ये भी उन्होंने बताया। पहले उन्होंने वाराणसी के विकास कार्यों का जिक्र किया जो हुए हैं, संपन्न हुए हैं, और वाराणसी के लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, विकास के कामों का जिक्र किया, जो हाईवेज बन रहे हैं, जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जो लिंक रोड्स बन रही हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया। 4 गुना मेडिकल कॉलेज बने हैं उत्तर प्रदेश में, इसका उन्होंने जिक्र किया। और ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब उन्होंने कार्यक्रमों का शिलान्यास किया है, ये देखिए शुरुआत ऐसे ही हुई प्रधानमंत्री के काम की। यहाँ पर उनके आगमन के साथ जो पहला उन्होंने काम किया यहाँ पर, वो ये अनावरण किया इन शिलापट्टों का, जिसमें हर जगह उनका जिक्र योजनाओं पर, चाहे वो शिलान्यास की हो या लोकार्पण की हो। तो ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की उन्होंने, चाहे वो कोरोना से संघर्ष के मामले में हो, या विकास के मामले में हो, या सड़कों के निर्माण के मामले में। प्रधानमंत्री मोदी ने खूब प्रेस किया उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, इन्वेस्टमेंट हब बना है उत्तर प्रदेश, ये भी उन्होंने बताया। कैसे इसके लिए काम किया गया ये भी उन्होंने जिक्र किया इसका। बीएचयू में जो हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है एमसीएच, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं वहां पर जा रहा हूं उसका जायजा लेने। कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी संकल्पना है, इसको जमीन पर उतार दिया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर अब वाराणसी में बनकर तैयार है, भारत जापान मैत्री का, उसके सहयोग का एक जीता जागता उदाहरण है, जिंदा प्रतीक। तो बहुत सारे विकास कार्यों का, उपलब्धियों का विस्तार में जिक्र किया आज प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में, अपने इस संबोधन में, जो कि पहला कार्यक्रम था वाराणसी की धरती पर आ चुका। इसको समाप्त किया उन्होंने, और इसके बाद वो रवाना होंगे बीएचयू के लिए, एमसीएच विंग के लिए, वहां की डॉक्टर सुंदरलाल हॉस्पिटल की। बड़ी बातें उन्होंने क्या कही वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को बहादुरी से यूपी ने संभाला, कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1, पूर्वांचल का मेडिकल हब बन रहा है काशी, अब 8000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है, वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण
अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। तो देखा आपने, एक हिस्सा सुनाया हमने आपको प्रधानमंत्री के संबोधन